बिजनेस बेस्ट रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में कई बार ऐसे एंटरप्रेन्योर आ जाते हैं जिनके बिजनेस आइडिया और प्लान इतने जबरदस्त होते हैं कि सभी शार्क इन्हें ऑफर देने के लिए बेताब हो जाते हैं। कई बार सभी शार्क मिलकर एक पिच के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं और कई बार उन्हें अकेले में इन्वेस्टमेंट करने की दिलचस्पी होती है। इसी के चलते उनके बीच कभी कभी तूतू मैं हो जाती है। लेकिन अभी के एक लेटेस्ट एपिसोड में बात कई ज्यादा आगे बढ़ गई। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के अपकमिंग एपिसोड में एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सभी शार्क के बीच होड़ लग गई। हाल ही में रिलीज हुए एक एपिसोड में सभी शार्क के बीच लड़ाई देखने को मिली। आपको बता दें कि एक ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी शार्क पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, विनीता सिंह, अमन गुप्ता आपस में भिड़ गए। किसी ने किसी को विलन कहा तो कोई इसे डर्टी गेम कहता दिखा। वहीं नमिता ने अनुपम के ईगो पर कमेंट किया। दोस्तों हाल ही में आया एक स्टार्टअप जिसका नाम पैराडाइज था, उसकी पिच सुनने के बाद सभी को उनका आइडिया बेहद पसंद आया और सभी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए। इसी दौरान सभी के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। दरअसल अनुपम और नमिता ने पैराडाइज के फाउंडर को मिलकर ऑफर दिया और वहीं अमन गुप्ता और पीयूष बंसल ने अकेले अकेले में ऑफर दिया। आपको बता दें कि लड़ाई इस बात पे हुई कि पैराडाइज के फाउंडर को अमन और नमिता एक साथ चाहिए थे, लेकिन नमिता यहाँ अनुपम के साथ थी, इसी वजह से आपस में लड़ाई हो गई। यह एपिसोड काफी देखने लायक था। अगर आपने अभी तक यह एपिसोड नहीं देखा है तो आपको जल्दी से जल्दी एपिसोड जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर आप शार्क टैंक देखना पसंद करते हैं और शार्क टैंक की हर न्यूज जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।